फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स? आज हम बात करेंगे लड़कियां जब लड़कों के साथ माइंड गेम खेलती हैं, वो ले पसंद तो करती हैं पर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, इसी गेम को कहते हैं हार्ड टू गेट गेम प्ले करना। देखिए, कई बार लड़कियां सच में आप में इंटरेस्टेड नहीं होती है और आप सोचते हैं वो आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रही है, वास्तव में वो आपको पसंद नहीं करती है, आप में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन आपको ये लगता है कि वो आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रही है लेकिन वास्तव में वो आपको पसंद नहीं कर रही होती। लेकिन जब लड़की आपको पसंद कर रही होती है और तब वो आपके साथ गेम खेलती है, आपके साथ हार्ड टू गेट गेम प्ले करती है, तब वो क्या क्या करती है, तो आज आपके माइंड में यही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लड़की अगर आप में इंटरेस्टेड है और तब वो आपके साथ ये कर रही है, आपके साथ ये माइंड गेम खेल रही है, तो आपको क्या क्या साइन देगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही साइन बताऊंगी जो लड़की आपको तब देती है जब आप में इंटरेस्टेड होती है बट आपको दिखा रही होती है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। एक तरफ ये साइन है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ ये वो वजह भी है, ये वो रीजन भी है जिसकी वजह से लड़की आपसे हार्ड टू गेट गेम प्ले करती है, आपको डिस इंटरेस्ट दिखाती है, ये वो रीजन भी है। तो ये आप इस वीडियो से दोनों बातें समझ जाएंगे कि लड़कियां आपके साथ क्यों ऐसा करती है और ऐसा करती है। अगर कोई लड़की आपके साथ ये कर रही है तो समझिए वो आप में इंटरेस्टेड है। कई बार लड़की आपके साथ ये माइंड गेम इसलिए खेलती है कि वो देखना चाहती है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप उसे पसंद करते हो या नहीं। देखिए, कई बार वो आपको डिसइंटरेस्ट दिखाती है, इग्नोर करती है, कई बार वो ऐसे काम करती है आपको ऐसा लगेगा कि लड़की आपको बिल्कुल भी ना पसंद करती है, लेकिन वो इस टाइम पे ये चेक करना चाहती है कि आप उसे पसंद करते हो नहीं, आप उसे लेके सीरियस हो या नहीं, या इस सिचुएशन में जब लड़की आपको इग्नोर कर रही है, आप में किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, वो लड़की आपसे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप में सीरियस नहीं है, तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। इस सिचुएशन को समझने के लिए भी कभी कभी लड़कियां माइंड गेम खेलती हैं, आपको जानबूझकर इग्नोर करती हैं, वो लड़की आपको जेलस फील कराएगी, वो आपके साथ दूसरे लड़कों से बात करेगी, उनमें इंटरेस्ट दिखाएगी, उनकी तारीफ करेगी, और ज्यादातर ये उन लड़कों के साथ करेगी जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो लड़की उसे पसंद करती है, आपको ये दिखाना चाहती है कि वो लड़का काफी अच्छा है, उसे वो पसंद करती है, आपको जेलस फील कराए, तो समझ जाइए वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको दिखाना चाहती है कि वो किसी और में इंटरेस्ट ले रही है, उसके साथ हंसी मजाक कर रही है। और अगर कोई आपको जेलस फील करा रही है तो इसका मतलब ये भी है कि वो आपके मन की बात को जानना चाहती है कि आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, इसलिए वो आपके साथ इस तरह का माइंड गेम खेलती है। तीसरा, वो लड़की आपको कभी भी ये नहीं दिखाएगी कि वो आपको लेके बहुत ज्यादा डिस्परेट है, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है, आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि वास्तव में वो लड़की होगी। वो आप उसे कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, वो आपको जानबूझकर लेट रिप्लाई करेगी, और जब आप उससे रीजन पूछोगे तो बताएगी वो बिजी थी, थोड़ा बिजी थी, जबकि कई बार आप उसे ऑनलाइन देखोगे तो वो जानबूझकर आपको लेट रिप्लाई करती है, वो दिखाना नहीं चाहती कि वो आप में इंटरेस्टेड है या आपको लेके इतना ज्यादा उसके अंदर वो है कि वो तुरंत रिप्लाई कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ही दिखा नहीं चाहती वो आपको हमें, और अगर आप उसका प्रेशर डालते हो तो उल्टी सीधी एक्सक्यूजेस देगी आपको, बस कुछ ना कुछ करके आपको ये दिखाना चाहेगी कि वो बिजी थी। ये लड़की कभी भी अगर आप उससे पूछोगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो कभी भी आपको ना नहीं बोलेगी, ना तो ये आपको ना बोलेगी और ना ही हाँ बोलेगी। देखिए, जो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी, वो शायद आपके पूछने में आपके इंटरेस्ट दिखाने पर आपके सामने ये चीज क्लियर कर दे कि वो आपको पसंद नहीं करती, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो लड़की आपके साथ माइंड गेम खेल रही है या जो लड़की आपके साथ हार्ड टू गेट गेम प्ले कर रही, वो लड़की कभी भी आपको किसी भी बात के लिए ना नहीं बोलेगी। और कई बार तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी सही समझ सकते हैं, जैसे कि आई कॉन्टेक्ट, ब्लेसिंग, स्माइल, कई बार वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको ऐसे साइन देगी कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो लड़की आपको पसंद करती है। वो आपसे कभी भी इस बात के लिए कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, इस बात के लिए ना तो हाँ बोलेगी ना ही वो आपको हाँ बोलेगी। फिफ्थ नंबर से, वो लड़की हमेशा आपको मिक्स सिग्नल देगी, कभी कभी वो आपको ऐसा दिखाएगी कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी और आपके जोक्स पे हंसेगी, पूरी तरह आपको ये दिखाएगी कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कभी कभी वो आपको इग्नोर करेगी और जानबूझकर इग्नोर करेगी। कभी कभी वो आपको उसके रिएक्शन को देख के समझ ही नहीं पाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको कितना कोल्ड रिएक्शन देगी, वो आपको पूरी तरह इग्नोर करेगी, आपको किसी बात पर ध्यान नहीं देगी, आपके साथ छोड़कर दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसके दिमाग पे क्या चल रहा है।
वो आपको मिक्स सिग्नल देगी, कभी आप में इंटरेस्ट दिखाएगी, कभी आप में डिस इंटरेस्ट दिखाएगी, वो आपको पूरी तरह कंफ्यूज करके रखेगी। और अगर कोई लड़की ये कर रही है तो समझिए उस लड़की आप इंटरेस्टेड है, जानबूझ के आपको इग्नोर कर रही है। सिक्स नंबर साइड, वो लड़की आपसे आई कॉन्टेक्ट करना चाहती फिर भी जानबूझकर आपसे नजरें चुराएगी। देखिए अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे है तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि कैसे वो आपकी तरफ देखने से बचे। कई बार वो जब किसी से बात करेगी तो पूरा ध्यान वो सामने वाले पर लगाएगी और वो ये दिखाना चाहेगी, वो ये सोच रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से उसकी नजर आप पर पड़ जाए और आप सोचो कि वो आपसे आई कॉन्टेक्ट बना रही है या वो आपकी तरफ देख रही है या फिर वो आपके बारे में सोच रही है। इसलिए वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि आपकी तरफ नहीं देखना है, फिर भी वो आपकी तरफ देखेगी, कई बार आपको नजर चुराते हुए देखेगी और कई बार आप उसे अपनी तरफ देखते हुए देखेंगे और जैसे ही आप उसकी तरफ देखेंगे वो आपसे नजर हटा देगी। वो पूरी ध्यान इस बात पर लगाती है कि कहीं उसकी नजर गलती से भी आप पर ना पड़ जाए जिससे आप उसके बारे में ये सोचो कि वो आपको पसंद करती है। सेवन नंबर साइन, वो कभी भी खुद से आपको सोशल मीडिया में ऐड नहीं करेगी। देखिए जिस आप पसंद करते हो, जो आपका फ्रेंड है, जिसके टच में रहना चाहते हो, आप उसे सोशल मीडिया में अपना फ्रेंड बनाते हो, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो, आप उसको फॉलो करते हो, लेकिन ये लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये इसका हार्ड टू गेट बिहेवियर होगा जो आपको पूरी तरह कंफ्यूज करेगा और एक बार फिर आपको ही सैड करेगा। अभी तक आपको लगता था कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करती है, लेकिन वो सोशल मीडिया में पूरा दिन एक्टिव रहने के बावजूद आपको ये बात पता है कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव है, बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है, फिर भी वो कभी भी आपको फॉलो नहीं करेगी, कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगी, क्योंकि ये वो आपको कंफ्यूज करना चाहती है। अभी तक आप जो सोच रहे थे वो आपको पसंद करती है, आपको एक बार फिर कंफ्यूजन में डाल देगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए शायद कई बार लड़कियां इस वजह से भी करती हैं कि वो चाहती हैं आप उन्हें फॉलो करो, आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि बहुत ओबियस साइन होता है जब कोई लड़की या ऐसी लड़की जो आपको ऐसा इंटरेस्ट दिखा रही है और आपको ऐसे साइन दे रही है, वो लड़की आपको रिक्वेस्ट भेजती है, आपको फॉलो करती है, तो बहुत ओबियस साइन होता है कि सामने वाली लड़की के मन में कुछ है आपके लेके, वो आप में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो लड़की कभी भी आपको सोशल मीडिया में खुद से फॉलो नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ साइन है जो वो लड़की आपको देगी जो आपके साथ हार्ड टू गेट गेम प्ले कर रही है या आपके साथ माइंड गेम खेल रही है या आप में इंटरेस्टेड है, आपको डिस इंटरेस्ट दिखा रही है, ये वो लड़की आपको साइन देगी। लेकिन कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लड़की आपको पसंद नहीं करती, लेकिन आप सोचते हैं कि वो लड़की जानबूझ के इग्नोर कर रही है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है लड़की आपके साथ माइंड गेम खेल रही हो, जबकि वास्तव में वो लड़की आप में इंटरेस्टेड होती ही नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की ये सारे साइन दे रही है तो समझिए वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करती है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाते हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।